हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बॉलीवुड में कई बड़े सुपरस्टार मौजूद हैं। आज इन सुपरस्टारों के नाम से ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं सुपरस्टारों ने अपने शुरुआती दिनों में एक साल में कई फ्लॉप फिल्में दी हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के ऐसे ही 5 सुपरस्टारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने एक साल में सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्में दी हैं। तो आइए जानते हैं इन सुपरस्टारों के बारे में। नंबर 5, अक्षय कुमार। बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार की आज कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है और वो सुपरहिट साबित होती है। लेकिन साल 1997 और साल 2004 में अक्षय कुमार की 5-5 फिल्में फ्लॉप हुई थी। नंबर 4, गोविंदा। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने साल 1998 में 6 फ्लॉप फिल्में दी थी। नंबर 3, अजय देवगन। आज के समय में अभिनेता अजय देवगन की लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होती है। इस साल अजय देवगन की 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। अजय देवगन की ये दोनों ही फिल्में हिट साबित हुई है। बता दें साल 1993 में अजय देवगन की लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी। नंबर 2, जैकी श्रॉफ। हीरो फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता जैकी ने साल 2001 में 8 फ्लॉप फिल्में दी थी। बता दें कि जैकी श्रॉफ की पिछली फिल्म भारत थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है। नंबर 1, मिथुन चक्रवर्ती। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के सभी सुपरस्टार काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं। एक ज़माना था जब बॉलीवुड में सिर्फ मिथुन जी का ही जलवा चलता था। मिथुन एक अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे डांसर भी है। बता दें कि साल 1998 में मिथुन चक्रवर्ती के लगातार 15 फ्लॉप फिल्में दी थी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।